का नुकसान भाव है? अब नुकसान तो हम ना भेजे को पटवा 30,000 को लिया है मौसम मुलाक को बढ़वा सामान हम सीट से लेगा जी 50,000 16,000 की हमें कबाड़ी पट्ट बना दो पेंट तो गवाओ ग्रीस ले जाके तो काम करा थो आप ग्रीस की तो काम कर क्या काम करा थो आप बड़ी साइकिल का नाम है आपको मानो हीरा अहरवाड़ वार्ड नंबर 1 बंद खज्जू कहाँ पर रहते हो वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 मुरारी माता के साथ पास में पटवारी जी आए थे हाँ पटवारी जी आए थे तो पटवारी जी लग गए कम सामान हमने अब देखो हम कौन भी जगह आए हैं आग आग पर काबू कैसे पाया आग लग गई तो क्या किया तुमने हमने क्या करने का जो हम तो बाहर भग गए थे हमने की लगा मार थोड़ा जाए हम तुम्हारा तो बढ़ जान दे हमें जा ध्यान दी कि भाई चल पेंट टटा को उतार दा पेंट हम सफर में चले आए अकेले कुल में हमने एक पल का भर था नहीं खो पल का भर नहीं होते भर इस पल का भर ऐसे तो नहीं कोई कोई जानू बच गया घर में अकेले थे तुम अकेले हैं और परिवार के साथ हमारे घर वाले में खत्म हो गई हमारे दो बच्चे भोपाल में थे जो ना थे मेरे पास जो घर ही पे आते जब आग लगी स्कूल में था तुम अकेले थे घर पे क्या चाहते हो शासन से बताओ हमें को शासन से मकान से जब अपना और सामान मिल जाए तो सही है तुम्हारे आवास योजना का फायदा नहीं मिला प्रधानमंत्री को कुछ नहीं गरीबी देखा में नाम तो है नाम तो है कुटी आई 5-4 नंबर पर थी 5 पहुंची अबे कुटी तक नहीं आई कुछ नहीं आया। नमस्कार आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस शाहगढ़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाली हीरा अहरवार रोज की तरह अपने दैनिक कार्यों के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से घबरा गए। तीव्रता से आग फैलने के कारण घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। तत्काल सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं तत्काल मौके पर पहुंचे TI कृपाल मार्गो ने घायल हीरा अहरवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज कराया। तहसीलदार GC राय ने अपने दल के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर पटवारी मोहन सिंह ठाकुर से नुकसान का पंचनामा बनवाकर राहत राशि दिलाने का आश्वासन दिया। आज सुबह यहां पर ग्राम साहेगढ़ में पचौर मोहल्ला में हीरालाल अहरवार के यहां आगजनी की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर वहां मौके पर गए तो नगरपालिका टीम द्वारा पुलिस के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है और हीरालाल को चोटें आई हैं और जो कुछ भी उसके कपड़े राशन वगैरह का नुकसान बताया गया है उसकी पटवारी से मैंने जांच करवा ली है और यथासंभव शीघ्र ही उनको सहायता दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या हुआ? हमारे मकान में 8 बजे सर आग ही लग गई है गैस से। अपने आप में कह नहा लूँ, मैं नहाने जा रहा था, मैंने कहा देख सकते हो गैस में आग ही लग गई थी तो मैं भागा वहाँ से। मेरे पास मैंने कपड़े उतारे थे तो मेरा एक पेंट उतारा, पेंट में से मैं कल 18,000 रुपया ले गया था। रेजा सेठ के यहाँ काम करता हूँ, मजदूरी बड़ी सेंकता हूँ। मेरा नाम हीरा अहरवार है, वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ और इतना हुआ काम और मेरे मकान में आग लग गई तो मेरा आवे देखा मैंने तो बहुत नुकसान हो गया मेरा सर। पटवारी साहब लिख ले आए हैं कितना थोड़ा सा सामान और मेरा चल गया बहुत सामान। मैंने अभी देखा है जाके क्यों मेरे लिए आदमी पकड़ ले गए थे कि ना भग गया तुम, भर जाएगा ऐसा हो जाएगा तो मैं तो दूर भाग गया है। जब मैं अस्पताल से आया पुलिस बारे मेरे लिए लगा दवाई के लिए, फिर मैंने अभी आन के घर पर देखा तो सारा सामान जल गया मेरा सर। क्या चाहते हैं आप शासन? आप शासन से आप जो कहो मर्जी मान साहब, मैं क्या करूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। मतलब चाहते हैं मदद चाहते सर, और लाखन को तो सामान जल गया साहब, मैं क्या करूं, मैं मजदूर आदमी हूं, आज आए 1-2 लाख का नुकसान है। मैं तो अभी देखा मेरी सारी एक पेटी जल गई, बच्चियों की चीजें थी।